विद्यार्थी हूँ, आपके बीच फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटल में से किसकी रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच ओपन, तीसरा ऑप्शन है विम्बलडन और चौथा ऑप्शन है यूएस ओपन। विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंच ओपन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम टाइटल में फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी भी देना चाहेंगे कि क्लास पे पहली बार आए हो तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा विद्यार्थियों। हाँ तो विद्यार्थियों, व्याख्या में जानिए कि फ्रेंच ओपन एक मुख्य टेनिस टूर्नामेंट है जो मई के अंत तथा जून की शुरुआत के दो सप्ताह के मध्य पेरिस फ्रांस में स्टेट रोलैंड गैरोस में खेला गया था और यह वार्षिक टेनिस कैलेंडर में दूसरा ग्रैंड स्लैम है तथा दुनिया का प्रमुख क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है। और रोलां गैरोस ही एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो अभी भी मिट्टी पर आयोजित किया जाता है और वसंत क्ले कोर्ट काल को समाप्त करता है, याद रखिएगा। इतना भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके बीच 12 नंबर क्वेश्चन है, टी पुट कैडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, पोलो से, ब्रिज से, स्वैग से? विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोल्फ से। गोल्फ से जो है टी पुट कैडी आदि शब्दावली खेल संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी देना चाहेंगे विद्यार्थियों की ये सभी गोल्फ से संबंधित शब्द हैं, कोर्स, टी, पुट, कैडी, बैफी, स्टाइमी आदि जो है गोल्फ से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, आप भी 13 नंबर क्वेश्चन है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद, गैरी कास्पारोव, अनातोली कारपोव, बॉबी फिशर? तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्वनाथ आनंद जी करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी देना चाहेंगे कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। व्याख्या में जानिए कि विश्वनाथन आनंद भारत शतरंज खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर एवं पूर्व विश्व चैंपियन हैं। आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीते हैं और वह निर्विवाद विजेता रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। विद्यार्थियों, आपके 14 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय सेना ने मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन विभूषित है? आपके बीच ऑप्शन है अनिल कुंबले, ऑप्शन बी है कपिल देव, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है सुनील गावस्कर। तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सचिन तेंदुलकर जो है क्षेत्रीय सेना ने मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से विभूषित हैं। ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तभी जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड है। व्याख्या में जाने कि सचिन तेंदुलकर भारतीय वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पद से विभूषित हैं, याद रखिएगा। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके 15 नंबर क्वेश्चन है, 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? बीजिंग, लंदन, रियो डी जेनेरो, पेरिस? विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी पेरिस। पेरिस में जो है 2024 में ओलंपिक आयोजित होंगे। ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि व्याख्या में जाने कि 2024 के ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेले जाएंगे। ठीक है, टाइप इतना ही किया था, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। विद्यार्थियों, आपके 16 नंबर क्वेश्चन है, खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है? विलेडर्स फ्रांस,
कबड्डी भारत, शतरंज रूस, स्कूनर भारत। विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी शतरंज रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी खेल और उनकी जनता देश का गलत युग में है, यानी शतरंज रूस गलत युग में है। ठीक है, बाकी ये सब करेक्ट है, यानी बिलियर्ड्स फ्रांस में है और कबड्डी भारत, स्कूनर भारत करेक्ट आंसर है। और ये जो है हमारा गलत युग में है, यानी कबड्डी भारत। थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि व्याख्या में जानिए कि शतरंज यानी चेस दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला एक बौद्धिक एवं मनोरंजक खेल है। किसी अज्ञात बुद्ध शिरोमणि ने 5वीं-6वीं सदी में यह खेल संसार के बुद्धिजीवियों को भेंट में दिया। समझा जाता है कि यह खेल मूलतः भारत का आविष्कार है, जिसका प्राचीन नाम था चतुरंग, यानी जो भारत से अरब होते हुए यूरोप गया और फिर 15वीं-16वीं सदी में तो पूरे संसार में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो गया। इस खेल की हर चाल को लिख सकने से पूरा खेल कैसे खेला गया है इसका विश्लेषण अन्य भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए, याद करके जाइएगा अपने कंपटीशन के एग्जाम में। क्लास को पहली बार आए हैं तो लाइक करिएगा, अच्छी लगेगी तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विद्यार्थियों आपके भी 17 नंबर क्वेश्चन है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के, 4-4 मिनट के, 5-5 मिनट के। विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 3-3 मिनट के जो है मुक्केबाजी की स्पर्धा राउंड होते हैं। ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि व्याख्या में जानिए कि बॉक्सिंग अलग अलग वजन वर्गों में होती है। इस खेल में हर प्रतियोगी को प्रतियोगिता के लिए अपना वजन करवाना होता है। पुरुषों के लिए यह 10 अलग वजन वर्गों में और महिलाओं के लिए 3 वजन वर्गों में होती हैं। बॉक्सिंग में पुरुषों के लिए 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। इसमें हर राउंड के बीच में 1 मिनट का रेस्ट टाइम मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों आपके जो 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंस डी नासिमेंटो यानी ब्लैकबर्न का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है आपके बीच बेल्जियम, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है पुर्तगाल, ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राजील जो है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंस डी नासिमेंटो यानी ब्लैकबर्न का संबंध ब्राजील देश से है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि एडसन एरेंस डी नासिमेंटो ब्राजील के मशहूर फुटबॉलर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके 19 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य शेखर गांगुली खिलाड़ी हैं। ऑप्शन है आपके भी शतरंज के, ऑप्शन बी है क्रिकेट के, ऑप्शन सी है गोल्फ के, ऑप्शन डी है हॉकी। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी सूर्य शेखर गांगुली शतरंज के खिलाड़ी हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि व्याख्या में जाने कि बंगाल में जन्मे सूर्यशेखर गांगुली भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर हैं। वे 2009 में एशियन चैंपियन रहे। उन्होंने 6 बार शतरंज की भारतीय चैंपियनशिप जीती है, याद रखिएगा 2009 में एशियन चैंपियन रहे। क्वेश्चन फंस सकता है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं व्याख्या बताता हूँ उससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास में पहली बार आए तो सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों आपके बीच 20 नंबर क्वेश्चन है, सरेला या सरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी हैं। आपके बीच ऑप्शन है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है शूटिंग से, ऑप्शन सी है टेनिस से, ऑप्शन डी है शतरंज से। यानी सरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारा जो है टेनिस से करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि
व्याख्या में जानिए कि सेरेना विलियम्स अमेरिका की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने अप्रैल 2020 तक 23 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं, याद रखिएगा। तो ठीक है, इतना जानकारी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी ग्रुपों में और अंत में सब्सक्राइब करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।